वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए के एम क्लासेस विच इज़ यूजफुल फॉर ट्रेनर्स आज हम नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड डेमोस्ट्रेट वर्क स्किल ऑन द जॉब और इन्हें सिमुलेटेड वर्क इन्वायरमेंट नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड के अंडर एलिमेंट टू करने जा रहे हैं अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आज हम ए के एम क्लासेस में जिस नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड के एलिमेंट टू को करने जा रहे हैं वो है एलिमेंट टू इज़ प्रिपेयर फॉर डेमोस्ट्रेशन कि किस तरह से हम क्लास डेमोस्ट्रेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं सो so, इस नो, आ, नोस के अंदर और इस एलिमेंट के अंदर जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं है ना उनसे पहले हम एक वन बाई वन डिस्कस कर लेते कि कौन 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 सा एलिमेंट हम कर चुके हैं हमने प्रीवियस वीडियो में एलिमेंट वन किया था आइडेंटिफाई ऑडियंस फॉर डेमोस्ट्रेशन जिसमें हमने किया था कि किस तरह से हम अपने ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिसको हमने डेमोस्ट्रेशन देनी है एलिमेंट टू जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ प्रिपेयर फॉर द डेमोस्ट्रेशन कि हम अपने डेमोस्ट्रेशन को किस तरह से प्रिपेयर करना शुरू करेंगे एलिमेंट थ्री जो है वो है कंडक्ट डेमोस्ट्रेशन एंड एलिमेंट फोर जो है वो अंडरटेक पोस्ट डेमानस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ ये थर्ड और फोर्थ एलिमेंट जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे एलिमेंट वन का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एलिमेंट टू जो है वो आज हम करेंगे दैट इज़ प्रिपेयर फॉर द तो स्टार्ट करते हैं इस एलिमेंट टू से सबसे पहले परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज़ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया इस एलिमेंट टू के अंदर हैं PC6 identify topics for demonstration. PC7 research topics and clarify doubts with subject matter expert. PC8 is develop order or sequence of demonstration for overall coverage of topic or topics as well as coverage of each task within the topic to ensure ease of understanding for audience and efficient use of resources pc 9 is rehearse the demonstration without the audience and identify area that needs specific attention pc 10 is confirm all the materials tools and equipment is present and in working order including safety equipment for demonstration now pc 6 identify topics for demonstration so hum जब भी डेमोस्ट्रेशन क्लासरूम डेमोस्ट्रेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं अपने आप को तो सबसे पहले टास्क होता है कि आइडेंटिफाई टॉपिक कौन सा हमने डेमोस्ट्रेशन के लिए टॉपिक आइडेंटिफाई करना है तो जेज एज़ फार एज़ द ट्रेनिंग इज़ कंसर्न तो हमें यहाँ पे क्या होता है एज़ पर प्लान्स और के अकॉर्डिंग क्या है और, और हालांकि आइडेंटिफ फाई करना टॉपिक को एक टीडियस टास्क नहीं है ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि यहाँ पे पहले से हमें डिफाइंड होता है कि हमें किस टॉपिक पे अपनी डेमोस्ट्रेशन कवर अप करनी है कौन सा टॉपिक हमें करना है तो या तो वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है एज पर सेशन प्लान और जो आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल है या मॉडल करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले डिसाइडेड होगा जो हम कवर कर चुके हैं तो उससे नेक्स्ट जो मॉड्यूल होगा वही हम डेमोस्ट्रेशन का हमारा टॉपिक होगा या फिर हमें पर्टिकुलर सीक्वेंस दे दिया जाता है कि इस तरह से आपको ट्रेनिंग में जो टाइम ड्यूरेशन है उसके हिसाब से ये टॉपिक कवर करने है, तो कहीं ना कहीं वो आइडेंटिफाइड होता है अदरवाइज़ टाइम uh, अगर कहीं डेमोस्ट्रेशन देना है रेंडम तो वहाँ पर हमें टॉपिक आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा टी टी एस टास्क भी हो सकता है बट इन केस ऑफ ट्रेनिंग हमें ये पता रहता है एज़ पर हमारा सेशन प्लान ये शेड्यूल हमें कौन सा टॉपिक कवर अप करना है तो उसके बारे में हमें नॉलेज रहती है नाउ द टॉपिक फॉर द क्लास डेमो इज़ ऑलरेडी फिक्स एज पर द मॉडल कॉलिकुलम शेड्यूल और सेशन प्लान के अकॉर्डिंग ये फिक्सड होता है नाउ पी सी सेवन रिसर्च टॉपिक्स और टॉपिक्स एंड क्लेरिफाइड आउट विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट तो जो भी हमें टॉपिक जो है डेमोस्ट्रेशन के लिए देना है जो है तो उस टॉपिक को हमें रिसर्च करना है रिसर्च द टॉपिक और टॉपिक्स का मतलब है कि डेमोन्स्ट्रेशन से पहले हमें उसके बारे में फ़ाइंड आउट करना है जो करंट लेटेस्ट अपडेट्स हैं उस टॉपिक के बारे में वो हमें पता हो रही है या भी रिटर्न मटीरियल उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है, उस है उसको रीड आउट करना है जैसे केस ऑफ हमने जो फर्स्ट था उसमें भी क्या था कि पार्टिसिपेंट हैंड बुक्स हैं फैसिलिटेटर गाइड्स हैं इंटरनेट हैं और जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसका यूज़ करके उसको स्टडी करना टॉपिक को सो दैट कि अगर आपके माइंड में उससे रिलेटेड कोई भी डाउट क्रिएट होता है तो आप उसको टाइमली अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ क्लेरिफाई कर सके या आपका भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हो सकता है या आप कोई कॉन्सेप्ट भूल चुके हैं तो आप डेमोस्ट्रेशन के लिए जब उसको पढ़ेंगे तो रीड आउट करने से आपको वो अंडरस्टैंडिंग होगी अदरवाइज क्या हो गया वो डेमोस्ट्रेशन जो है वो फेल हो जाती है तो रीड थोरोली अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लैरिफाई ऑल द डाउट्स विद द हेल्प ऑफ मेटीरियल इफ़ स्टिल डाउट मेन इन योर माउंट कंसल्ट एंड क्लैरिफाइड विद द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ करें अगर कहीं भी डाउट रह जाता है तो मे भी हो सकता है कि आपकी ऑडियंस आपसे होशियार होगी या जो आपने अंडर एस्टिमेट किया तो हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जिसका शायद आपके पास आंसर ना हो नाउ पी सी एट पी सी एट इज Uh, develop order or sequence of demonstrations for overall coverage of topics as well as coverage of each task within the topic to ensure ease of understanding for the audience and efficient use of resources. सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि डेवलप द ऑर्डर ऑफ़ डेमोस्ट्रेशन इन ए सीक्वेंस फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड ऑफ द सेशन सो यहाँ पे क्या है जब भी हम डेमोस्ट्रेशन के लिए टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद हमने डाउट्स अपने क्लियर कर लिए तो यहाँ क्या है कि हमें अब डेमोस्ट्रेशन का एक सीक्वेंस प्रिपेयर करना है एज पर सेशन प्लान कि हमें कौन सा टॉपिक किस तरह से स्टार्ट करना है और किस तरह से हमें टॉपिक को एंड करना है तो हमें जो भी उस सेशन में एक कंसिस्टेंटी हो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए सब्जेक्ट मैटर में कि किस तरह से स्टार्ट करना है और किस तरह से एंड करना है और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ या प्रोसेस या कोई गेम्स या जो भी के स्टडीज़ रोल प्ले कब कौन से टॉपिक और कौन से पॉइंट पे करवानी है सो so ये चीज़ का हमें पता होना चाहिए और ये जो है जब तो डेमोस्ट्रेशन कंडक्ट करनी है तो उससे पहले ही हमें यह डेवलप करनी है सीक्वेंस में कि फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई भी सेशन करते तो आइस ब्रेकिंग सेशन देन इंट्रोडक्शन ऑफ द सेशन फिर देन उसके बाद क्या है अगर केस स्टडी है तो केस स्टडी या कोई एक्टिविटी है तो वो एक्टिविटी करवानी है टॉपिक लेक्चर मोड में पढ़ाना है तो जो भी डिफरेंट प्रोसेसेस हैं टीचिंग मेथड्स हैं उनका यूज़ करते हुए काम करना है तो वो प्रोसेस हमें पता होनी चाहिए वो सिक्वेंस हमें पता होना चाहिए एज़ पर द टॉपिक रिक्वायरमेंट सो दैट की लर्नर्स की आउटकम को अचीव किया जा सके नाउ द नेक्स्ट पी सी नाइन इज़ रिहर्स द डेमोस्ट्रेशन विदाउट द ऑडियंस एंड आइडेंटिफाई एरिया दैट नीड स्पेसिफिक अटेंशन सो यहाँ पर क्या है रिहर्सल बोलता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ की बिकॉज ये क्या करता है कि आ, जब कोई एक्चुअल डिलीवर कर रहा अपनी स्पीच को ऑडियंस के सामने तो उससे पहले उसकी उसको किस तरह से डिलीवर करना है उसकी एक प्रैक्टिस सेशन हो जाता है उससे क्लियर हो जाता है एक ट्रेनर को कि उसको किस सीक्वेंस में करना है अगर कहीं वो गलत कर रहा है तो उसको सुधार सकता है तो रिहर्सल so, इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस बिफोर सो इससे रिहर्सल से एक तो कॉन्फिडेंस गेन होता है सेकेंडली कोई ऐसे एरिया जिसको स्ट्रेस देके या कोई डिफिकल्ट एरिया जिसमें स्ट्रेस देके कोई और एक्टिविटीज़ को आ, करवाना है ऑडियंस से या किस तरह से ऑडियंस को इन्वॉल्व करना है ट्रेनिंग में तो ये चीज़ देखी जाती है रिहर्सल में और एक वन मोर थिंग कि अगर कोई पॉइंट्स भूल रहे हों या कुछ ऐड ऑन करना है तो उसके बारे में टाइम लाइन्स के अकॉर्डिंग रिहर्सल की जा सकती है कि हमारे टाइम में क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी है कौन सी चीज़ें हमें आउट करनी है क्योंकि प्लानिंग सेशन में हमने किया था कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे कवर करनी है बट यहाँ पर रिहर्सल सेशन में हमें पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग जा रही हैं या नहीं जा रही हैं तो रिहर्सल करना बहुत ही ज़रूरी पार्ट है नो पी सी टेन कन्फर्म ऑल मटीरियल टूल्स एंड इक्विपमेंट इज़ प्रेजेंट एंड इन वर्किंग ऑर्डर इंक्लूडिंग सेफ्टी इक्विपमेंट्स फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन सो जब भी आप डेमोस्ट्रेशन के लिए डा जा कंडक्ट करने जा रहे हो तो वंस अगेन जैसे कि हमने प्लानिंग फेज में किया था तो यहाँ पर फिर से अगेन इंश्योर करना है कि जो भी टूल्स इक्विपमेंट या मटीरियल जो भी आ, हमें रिक्वायर्ड हैं ज्यूरिंग डेमोस्ट्रेशन लाइक like, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देते हैं कि हमें मार्कर और डस्टर चाहिए तो क्या अवेलेबल है मार्कर सही कंडीशन में है प्रॉपरली है उसकी तो नहीं ख़त्म हो गई या जो हमारा प्रोजेक्टर है वो वर्किंग कंडीशन में प्रॉपर फोकसिंग हो रही है या हमें कोई केस स्टडीज़ की जैसे हमें फ़ोटो कापीज़ चाहिए तो वो अवेलेबल हैं या नहीं है सो ये सारी आ, टूल्स और इक्विपमेंट की प्रेजेंस को चेक करना है कोई भी टूल्स इक्विपमेंट जो ख़राब ना हो और जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी अगर हम कोई यूज़ करते हैं तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए और प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर में हो सो दैट के टाइम पड़ने पर उसको यूज़ किया जा सकते हैं और हमारा जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं लर्नर्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं ना वो अचीव हो सकता अगर कोई भी इस टूल्स और इक्विपमेंट कोई भी लैब्स पर जाता है ये कमी पड़ जाती है सारे एफर्ट्स जो हमारे व्यर्थ चले जाते हैं और लर्नर्स की आउटकम्स जो आनी है एक्चुअली आफ्टर ट्रेनिंग उसको अचीव नहीं किया जा सकता सो वी हैव डिस्कस्ड इन दिस दैट किस तरह से हम डेमोस्ट्रेशन के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं तो उसमें हमने किया कि इस, ए, किस तरह से सीक्वेंसिंग करनी है अपने टॉपिक्स की टॉपिक सब टॉपिक्स की किस तरह से हमने चूज़ करना है टॉपिक तो हमने यहाँ पे किया कि एज पर सेशन प्लान और मॉडल करिकुलम के अकॉर्डिंग होना चाहिए दैन जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ करनी है उसका पता होना चाहिए रिहर्सल करनी है इन सारी चीज़ों की सो दैट की कॉन्फिडेंस गेन हो और कोई भी हमारा जो है अटेंशन पार्ट है उसको हम इम्प्रूव किया जा सके सो दैट की प्रॉब्लम ना So, this is all about this uh, second element. Prepare for the demonstration under uh, uh, third nose. Uh, thank you. Thank you from ACAM classes.